हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल है बुधवार यानी गणेश जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा, यदि आपने कल के दिन इसको नहाने के पानी में डाल दी तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे मैं हर एक उपाय से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं, दोस्तों वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बहुत सारे लोग वशीकरण जैसी वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी का भी बुरा ना करें। दोस्तों, यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का भी बुरा ना करें। यदि आप किसी का बुरा करते हैं तो उसका फल भी आपको भविष्य में जरूर मिलता है और आपको यह भुगतना पड़ता है, क्योंकि यही रीति है और यही दुनिया का नियम है। दोस्तों, कई लोग इन बातों को मानते नहीं हैं, लेकिन यदि आप करते हैं तो इसका असर सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ही बुरा पड़ता है और उसको उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप किसी पर भी कोई से उपाय का बुरा ना करें। आप जो भी उपाय करें वह सच्ची श्रद्धा से और अच्छे के लिए ही करें। किसी का बुरा चाहने के लिए आप कोई सा उपाय ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से वशीकरण वगैरह और भी कई सारे टोटके डालते रहते हैं। लेकिन यदि आप इनमें से कोई भी करते हैं और वह किसी व्यक्ति पर बुरा असर भी दे सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर आप सभी की उन्नति के बारे में ही बताते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि आप हमारे बताए हुए उपाय करते हैं और यदि आप कुछ गलत उपाय भी कर देते हैं तो इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता या आपके परिवार को इसका कोई भी दुष्परिणाम भुगतना नहीं पड़ता। यदि कोई उपाय करते वक्त आपसे गलती हो जाती है तो आप इन उपायों को फिर से कर सकते हो। दोस्तों, हमारे यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, इसी कारण हमारे चैनल पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। दोस्तों, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारा चैनल इसी तरह भारत के करोड़ों लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे और मैं उनकी सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के उपाय की। दोस्तों, आपको एक साबुत लौंग लेनी होगी और उस लौंग का फूल भी साबुत होना चाहिए। दोस्तों, इस लौंग को लेने के बाद आप अपने मुख्य दरवाजे के पास आ जाएं और उसे अपने दरवाजे की चौखट के नीचे रख दें। उसके बाद आपको इसको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। दोस्तों, इस लौंग को लेकर आपको अपने घर के हर हिस्से में जाना है और आपको अपने घर के अंदर ही अंदर 3 उल्टे चक्कर लगाने हैं। दोस्तों, चक्कर लगाने के बाद आप जिस भी कमरे में सोते हो उस कमरे में इस लौंग को ले जाकर उत्तर दिशा की ओर 5 मिनट तक रख दें। उसके बाद आपको उस लौंग को रखने के बाद आप एक कटोरे में शुद्ध जल या उसके बाद आप इस पानी को उबालने के लिए रख दें, और जैसे ही यह पानी उबलने लग जाए उसके बाद आपको 5 मिनट के पश्चात उस लौंग को वहां से उठाकर इस उबलते हुए पानी में आपको डाल देना है। इस उबलते हुए पानी में डालने के बाद आपको इस पानी को थोड़ी देर और उबालना होगा, और जब यह अच्छे से उबल जाए तो आप इस पानी को अपने नहाने की बाल्टी में डाल दें। उसके पश्चात आप उस पानी से नहा लें। नहाने के पश्चात आप पूजा पाठ जप कर लें। उसके बाद यदि यह लौंग उस नहाने की बाल्टी में बच जाता है तो आप उसको उठाकर आप किसी पौधे में दबा दें। यदि यह पौधा तुलसी का है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों,
जब आप यह स्नान कर लेंगे तो आपको आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी, जिसे सकारात्मक ऊर्जा या फिर पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। उसके बाद आपको उन सभी परेशानियों का डर नहीं लगेगा और सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, लौंग को घुमाने के बाद आपके एवं आपके परिवार पर यदि कोई बुरा साया होगा तो वह भी दूर चला जाएगा। दोस्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें ज्यादा नकारात्मक शक्तियां होती हैं। इस उपाय को करके आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां आपका घर छोड़ देंगी। यह उपाय आप कल सुबह के समय जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।